यूपी के मैनपुरी में मानवता को शर्मसार करती एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह मामला 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म का है जो लहूलुहान हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती है। पूरा मामला मैनपुर के थाना ऊंचा क्षेत्र के ग्राम उद्देतपुर का है जहां भट्टे पर मजदूरी करने वाले गरीब मजदूर की 5 वर्षीय पुत्री शाम को खेल रही थी। इसी बीच वहां समर से भट्टे को पानी देने वाला ट्यूबवेल का मालिक आरोपी मोहन पाल उसे बहला फुसलाकर अपने ट्यूबवेल वाले कमरे में ले गया जहाँ आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से लहूलुहान बच्ची की चीख पुकार सुन जब परिजन वहां पहुंचे तो देखकर उनके होश उड़ गए। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पोक्सो जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। उसमें पथाई काम करने वाले एक व्यक्ति की 5 वर्षीय बच्ची थी जो वही मड़िया में खेल रही थी। वहीं पास पे एक ट्यूबवेल चलाने वाला है उदयपुर गांव रहने वाला आदमी, उसके द्वारा मौका पाकर उसको बच्ची को उठा के ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची काफ़ी इंजर्ड है, उसको निजी अस्पताल लाया गया, उसका इलाज चल रहा है। युवक की गिरफ्तारी हो पाई सर? थाना पंजीकृत हो गया है और गिरफ्तारी का प्रयास चल रहे हैं। थाना ओछा और अन्य टीमें प्रयास कर। ये कौन है? गांव के वहां पर समर चलाते ट्यूबवेल के मालिक हैं। हाँ, ये बच्ची कहाँ थी? बच्ची वहीं पर थी, पथाई करते ये पथेरे पथाई का काम करते भट्टे पर। अच्छा। उसकी झुग्गी वहाँ पर बनी हुई है। अच्छा। हम लड़की वहाँ सबकी मतलब देखभाल करते हैं। अच्छा। ये वहाँ पर लेटे थे और ये उसकी माँ बकरी किसी के खेत में चरने के लिए गई, उसको लेने गई, तब तक उसको उठा के वो झुग्गी के अंदर ले गए। अच्छा। तब लोगों ने आवाज दी, वो चिल्लानी कीड़ा खोदने के लिए गाँव के लोग कुछ आए, उन्होंने बताया तो हम अपने खेत पर आलू खोद रहे तो वहाँ पहुंचे तो इनमें झगड़ा होने लगा मारपीट का। देखा लड़की खून से लथपथ थी, कपड़े भी उसके सारे खून से रंगे हुए थे। तब उसके बाद हमने 100 नंबर पर सब लोगों ने फोन किया, थाना ओछा को सूचना दी, सब लोग आए। उसके बाद इसको मतलब अच्छा जो आरोपी है उसकी उम्र कितनी है? उसकी 48 के बीच में है। 40 साल का है। हाँ। क्या वो घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ फरार हो गया क्या? हाँ, घटना से भाग उसकी पत्नी उसकी माँ सब लोग गाँव के लोग ले गए उसको वहाँ से, मौका की स्थिति से वहाँ से उसे छुड़ा ले गए। ये बच्ची यहाँ बच्ची मन खेल रही थी मड़ैया के पास में, ये मन भी आते कौन बच्ची मोहन पाल हे वहाँ पे फिर जे इनकी मम्मी हती बच्ची हेरी आंकन चली गई। बच्ची की मम्मी? हाँ, बच्ची की मम्मी हेरी आंकन गई मन तापन लगी तो जे मन लेटे आते फिर जो उनको उठा के मड़ैया में ले गए। कौन ले गए? मोहन पाल। हाँ। ले गए, उनने पति ने बलात्कार किया वहाँ पर बच्ची के साथ। हाँ, बच्ची के साथ। फिर उनका भाई छोटा था, दोनों ने देखने पर वो बाहर खेलता रहा। वो बच्ची गई रोती हुई मम्मी के पास, मम्मी उसकी आई तो उनको देखा भाग गई मोहन पाल। अच्छा, गांव के ही है मोहन पाल? हैं, गांव के ही है? हाँ, गांव के हैं। कितनी उम्र होगी? होगी 40। 40 साल।